हाँ हाँ हम हाँ लोग वो सब सब वहीं वही जा जा रहे रहे हैं, हैं अंतिम अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। संस्कार में ढेर हो रही है, बहुत हवन है, इसलिए अभी क्या कौन हुए आप? मेरी बड़ी बहन हुई, बड़ी आपकी बड़ी बहन जी अपनी, हाँ अपनी सगी बहन, क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा हम राघोपुर में रहते हैं, होम तो होम्योपैथिक चिकित्सक है वहाँ पे यहाँ अभी आप ही लोग रहते हैं बस? जी, हम लोग वाइफ हसबेंड रहते हैं, ये हुई सुमन शर्मा, उनकी भाभी हुई जी, सब दाह संस्कार में शामिल, सब जा कहाँ रहे हैं हम होने लोग। वाला था? पटना पटना में, में, पटना में ही हाँ। आ रहा है, बॉडी आ रहा है, हमको पहुँचना है उससे अंतिम पहले बार कब मुलाकात हुई थी उनसे? 6 मार्च को, 1 अप्रैल को आई थी, 31 मार्च में मेरे लड़के की शादी थी, उसी में आई थी। उसी में आए थे। हाँ तो क्या कुछ बात हुआ था उस समय? ये सब बात जो होता है वो तो हर जगह जाती थी, बहुत मिलनसार थी, हर जगह जाना आना, हर जगह उठना बैठना, कहीं बैठ गए कहीं किसी से बात की, सब लोग बोलेंगे इतनी ही बात, बोले थे कि हम आएंगे 2-3 महीने के बाद फिर एक बार, लेकिन वो 2-3 महीना तो आया नहीं लाइफ में। छठ का गीत जो है, छठ जो है उनके बिना वीरान सा लगता है, क्या कुछ क्या लगता क्या ही है, कहते, ऐसा ही लगता कहने ही की है बात थोड़ा ही है, छठ पर्याय नहीं का माना तो जाता है। यही हाँ कहने की बात तो कुछ है नहीं, तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है इस बात, उनके उस स्वर के बिना तो छठ का गीत होता नहीं है, ये बात छठ तो है मुंडन या कुछ जी, किसी भी प्रकार का शादी इवेंट। विवाह हर कुछ। वो तो हम उनको इतना ही बोले दीदी को एक दिन कि जब तक ये धरती धरती रहेगी और जब तक हम लोग की संस्कृति रहेगी, आपका गीत अमर रहेगा। बस इजाजत दीजिए सर, अपने रुके हैं, ठीक चल दीजिए।